जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखाई है कि सबसे गहरी चोट किसी अपने ने ही पहुंचाई है। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसको खुश ही रहने दो। उसके ज्यादा पीछे पड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। जो जा रहा है उसे जाने दो। वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। तुम जितना ज्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे उतने ज्यादा ठगे जाओगे और उतने ज्यादा धोखे खाओगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। रिश्ते कमजोर नहीं होने चाहिए। अगर एक खामोश है तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए। सफलता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात होती है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर पूरी बाजी ही घुमा देती है। तू सब्र रख, दूरियों का मलाल उसे भी होगा। जब तू किसी और का होगा तो मोहब्बत का एहसास उसे भी होगा। कितना अजीब है ना, भरोसा किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही शुरू होता है और फिर उस इंसान की असली सच्चाई जानकर ही खत्म हो जाता है। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहाँ आपका परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। इश्क भी चाहते हो और सुकून भी चाहते हो, गजब करते हो, अमावस की रात में चांद चाहते हो, रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस न होने देना, जिंदगी ये हुनर भी सिखा देती है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा न रखना होता है। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। ये दुनिया तबाही के मोड़ पर खड़ी है और तुम मुझे देखो, मुझे फिर भी तेरी ही पड़ी है। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ आए तो सबसे पहले तुम्हारी याद आए। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए भी कान रखो। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वे हमसे फायदा उठाकर भी हम पर ही कोई एहसान कर रहे हों। जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं, ना कुछ पाने की खुशी होती है और ना कुछ खोने का गम होता है। जिंदगी में जब जब किसी के साथ की जरूरत पड़ी है, मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पछता नहीं उसे खाना मत, और जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद न हो वैसा व्यवहार आप भी दूसरों के साथ न करें। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो लेकिन उम्मीद किसी से मत करना। मुकम्मल कहाँ हुई किसी की जिंदगी, आदमी कुछ खोता ही रहा कुछ पाने के लिए। जिन्हें पता है कि अकेलापन क्या होता है वो लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं हम, खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया वो सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है ना उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते ही चिंता करने लगते हैं।
जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्तों का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हो। हम सफर चाहे गरीब हो, पर अच्छा होना चाहिए जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है।